और सरबरा जमहूरी वतन पार्टी शाहजैन भुगटी का कहना है कि गवर्नर पंजाब की बरतरफी से हुकूमत की बौखलाहट साबित हो चुकी है, वजीर आजम अपनी अक्सरियत खो चुके हैं। हमारे नंबर्स पूरे हैं, आईनी तौर पर वजीर आजम को घर भेजेंगे। इस वक्त मेरे साथ शाहजैन भुगटी मौजूद हैं जो कि कौमी असम्बली के इजलास में आए हैं। तहरीक एतमाद के मौके पर आज किसको वोट दे रहे हैं सर और किसकी हिमायत कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप जानते हैं कि अपोजिशन यूनाइटेड अपोजिशन इकट्ठे है और हमने जो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस सबमिट किया हुआ है पीएम के खिलाफ और ये हमारा आइनी हक है। हम सिटिंग गवर्नमेंट होगी और हम लोग भी होंगे, हम अपने नंबर्स पूरे करेंगे, नंबर्स के बाद फैसला खुद हो। आज क्या फैसला होने जा रहा है? देखिए हमारा आइनी हक है, नंबर्स पीएम साहब अपने नंबर्स हो चुके हैं और हमारे नंबर्स पूरे हैं। आप देख लीजिएगा, हम तो अपने नंबर्स पूरे करेंगे, फिर आइनी तकाजा स्पीकर साहब पूरा कर दें। अच्छा, गवर्नर पंजाब को आज हटा दिया गया है, एक बड़ा सरप्राइज मिल गया सुबह सुबह। मेरा ख्याल है गवर्नर पंजाब को इस टाइम हटाना हुकूमत मौजूदा हुकूमत की बुखलाहट का आपको नज़र आ रहा है कि किस तरह का बुखलाहट का शिकार हो गई गवर्नमेंट। दिल आज क्या कह रहा है, मुखालिफत में वोट दे रहे हैं और क्या ये वाकई साजिश है? दो सवाल। गुजारिश मेरी ये है कि किस किस्म की साजिश है। जहाँ तक खत की बात है, खत में भी ऐसी कोई सदाकत नहीं है और जैसे इन्होंने कहा किसी मुल्क का नाम दिया, वो क्यों करेंगे? देखिए अगर ऐसी कोई चीज़ होती है आप बताते, अगर आपके मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश होती तो आप अपने मेंबर कौमी असम्बली को बैरूनी दौरों पे ना भेज रहे होते, जो कि बार बार पकड़ पकड़ के भेज रहे हैं, तो इससे साबित होता है ऐसी कोई बात। शाहजैन भुगटी, पूरी उम्मीद है कि आज तहरीक एतमाद कामयाब होने जा रही है।